बैंक प्रबंधक पर लगाया धांधलीबाजी का आरोप। देहरा निवासियों ने जिला अधिकारी अमरोहा को दिया शिकायती पत्र। जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव देहरा निवासी योगेंद्र सिंह पुत्र नेपाल सिंह, हरज्ञान सिंह पुत्र मोहर सिंह ने प्रथमा बैंक शाखा मखदुमपुर के प्रबंधक सुधाकर शर्मा पर धांधलीबाजी का आरोप लगाते हुए आज जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्रा को शिकायती पत्र दिया। जानकारी के अनुसार हरज्ञान सिंह पुत्र मोहर सिंह ने बताया, मैं प्रथमा बैंक शाखा मखदुमपुर का खाता धारक हूं और योगेंद्र कटारिया भी इसी बैंक का खाता धारक है। हमें किसी कारणवश पैसों की आवश्यकता पड़ गई, जिससे हम शाखा प्रबंधक के पास गए और अपनी भूमि पर लोन लेने का प्रस्ताव रखा। शाखा प्रबंधक ने कहा कि आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको 20% देना होगा। ये बात सुनकर हम आश्चर्य में रह गए। योगेंद्र कटारिया ने शाखा प्रबंधक से कहा कि हमें मानक के अनुसार ही लोन चाहिए और शाखा प्रबंधक ने कहा कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, यदि आप 20% तय करते हो तभी लोन मिलेगा। दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हम आपकी शिकायत मुख्य कार्यालय मुरादाबाद में करेंगे। यह बात सुनकर शाखा प्रबंधक भड़क गए और दोनों व्यक्तियों को धमकी दी। कहा कि मैं सरकारी दस्तावेज फाड़ कर या बैंक में चोरी व लूट आदि का तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगा। इस घटना के समय हुकम सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम देहरा निकट नौगावा सादात और अन्य व्यक्ति भी बैंक में मौजूद थे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरज्ञान सिंह है। गांव कौन सा? गांव देहरा। अच्छा जी, बताइए आज जो कलेक्टेड आना हुआ, क्या मामला? आज इसलिए आना है आप सर, आपके ये मान लो हम किसान कार्ड बनवाने बैंक पहुँचे तो मैनेजर बोले साहब किसान कार्ड हमें ये अपना बंद करना। हमने बोला मैनेजर साहब से, बोले अभी इसे चलाओ जाओ, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा साहब हम 5 लाख रुपए का लोन लेंगे। बोले आपको अतिरिक्त लोन नहीं मिल सकता। मैंने कहा साहब आप इसको हमारे खाते में पैसा पड़ा हुआ है, इसे आप जमा कर लो, बंद कर दो और हमें दूसरा कार्ड बना दो। बोले हमें 19,000 रुपए चाहिए आपसे, कार्ड आपको बना देंगे। तो मैंने कहा साहब वो 19,000 रुपए किस चीज़ के मांगे? किसान कार्ड बनाने के फालतू ये मुझे लौटाने होंगे आपको 19,000। तो किसान कार्ड आपको बना दूंगा। फिर मैंने कहा साहब आप 4 बीघा ज़मीन पर, 2 बीघा ज़मीन पर 5 लाख रुपए आपने कार्ड दे रखा है, भूमि बढ़वाता है फर्जी, तो आपने फिर वो कैसे दे रखा है? आपकी जांच हुई तो साहब आप कैसे छुपा पाएंगे उन फाइलों को? बोले इनको मैं फाड़ दूँगा और आपके बता दूँगा साहब आपने सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। तो मैं साहब वहाँ से चला आए थे, मैंने कि साहब जिला अधिकारी साहब को दूंगा, ज्ञापन सौंपूंगा। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर का शर्मा नाम है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ साहब हमारा किसान कार्ड 5 लाख रुपए का बनना चाहिए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इनका कानून का ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी पैसे से साहब। हम 1.5% से लोड बदल कर देते हैं कार्ड की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी दर्शिक तोबर। ये आज DM साहब के पास आए कलेक्टेड अमरोहा, क्या मामला है? आज मामला ये है कि मेरे 5 भाई हैं हम, मेरे एक छोटे भाई ने बैंक प्रबंधक के माध्यम से वहाँ से 420 में लोन लिया है। कौन सी बैंक? प्रथमा बैंक मखदुमपुर। और ये प्रबंधक का आम रवैया है, पहले भी इस पर एप्लीकेशन लग चुकी है, पहले भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल भी रही है और इसीलिए मैं इसके लिए इसके खिलाफ यहाँ आया। उसके कितने का लोन निकाला? लोन निकाला है 4 लाख का। तो उसकी सूचना आपको पहले से नहीं मिली थी? उसकी मैं असल में दिल्ली रहता हूँ, मुझे पता नहीं चला और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मुझे अब से 2 महीने पहले इस चीज़ का पता चला जब मेरी माँ ने मुझे वो नोटिस मुझे दी। लोन निकले हो कितना समय हो गया? ये 2017 में लोन निकला। पता आपको आज लगा? पता हमें आज लगा क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली रहता हूँ। मैं महीने में 2 महीने में 4 महीने में एक बार आता हूँ एक दिन के लिए। मैनेजर ने भेजा? अपना मैनेजर ने अपने फील्ड ऑफिसर को भेजा और वो वहाँ नोटिस दे के आया। जब इन्होंने लोन करा उस समय कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई थी और उसको 420 में लोन दिया गया है। अम्मा को केवल गारंटर बनाने के लिए मेरा भाई लेके गया था और जिन्होंने आपस में मिलकर प्रबंधक से मिलकर उस पर लोन करा दिया। क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करने से रोका जाना चाहिए।